आकाशवाणी जम्मू ऐ तुस श्रुति खजूरिया कोला खबरां सुनो। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें सैलसफा गी जम्मू कश्मीर दी अर्थव्यवस्था दी रीढ़ दी हड्डी मनदे होई टिकाऊ सैलसफा नीति दा आह्वान कीता, जेड़ी केन्द्र शासित प्रदेश दे सैलसफा दे खेतर च सैलानियें पर केन्द्रित होए ते जेदा मकसद नौजवानें लेई रोजगार दे मौके पैदा करना होए। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने जानकारी दित्ती है जे मुक्खमंत्री होरें कल सिविल सचिवालय जम्मू च इक उच्च सतह दी बैठक दी प्रधानता कीती ते सैलसफा आले मैहकमे दे कम्मकाज दा जायजा लैया। सैलसफा सरबंधी मैहकमे दे कमीशनर होरें मैहकमे दी उपलब्धियें गी बढ़ावा देने आली गतिविधियें ते भविक्ख दी योजनाएं बारे जानकारी दित्ती। इस दौरान कश्मीर मैराथन, G20 शिखर सम्मेलन, F4 कार शो जनेह हाल च कश्मीर च होए दे कामयाब कार्यक्रमें दा भी जिक्र कीता गया। जम्मू च सनबर्न म्यूजिक प्रोग्राम ते जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कनकलेव 2024 बारे भी जानकारी दित्ती गई। जनजातीय मामले दे मंत्री जावेद राणा होरें जनजातीय समुदाय दे कल्याण सरबंधी विकास परियोजनाएं लेई रखे गेदे पैसे गी ओदे लेई गै खर्च करने लेई आखेआ। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब राणा होरें जनजातीय मामले सरबंधी मैहकमे आसेआ अपनाए गेदे तौर तरीकें ते परियोजनाएं दी अमलावरी दा जायजा लैता। उनें जम्मू खित्ते दे प्रशासन गी आखेआ जे ओह् नगरोटा च ट्राइबल भवन ते जम्मू खित्ते च एकलव्य आदर्श रिहायशी स्कूलें गी पूरा करने च आवा करदी रूकावटें गी दूर करन। मंत्री होरें बक्ख बक्ख स्कीमें ते नीतियें दी बेहतर अमलावरी पर जोर पाया तां जे जनजातीय समुदाय दा समाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होई सकै। उनें जनजातीय मामले दे सचिव होरें गी आखेआ जे जनजातीय समुदाय गी उंदे लेई बनाई गेदी स्कीमें बारे जानकार बनान तां जे एह् लोक अग्गे आइयै इंदे थमां लाह ठोआई सकन। जम्मू कश्मीर विधानसभा दे स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर होरें आखेआ जे खास दर्जे दी पहली बार असैम्बली च पास कीते गेदे प्रस्ताव गी मुतलका प्रशासन गी भेजी दित्ता गेआ। जम्मू कश्मीर दी असैम्बली च हाल च विशेष दर्जे दी ब्हाली ते संवैधानिक गारंटी बारे गल्लबात करने दी मंशा गी लेइयै इक प्रस्ताव पास कीता गेआ हा ते एहदे लेई संवैधानिक सरिस्ते च कम्म करने दी अपील कीती गेई। एह प्रस्ताव ध्वनिमत कन्नै पास कीता गेआ हा। बीजेपी गी छोड़ियै बाकी सब्भनें पार्टियें इसदा समर्थन कीता हा। राठौर होरें संगारे श्रीनगर च समाचार माध्यमें गी दस्सेआ जे जिस दिन असैम्बली च प्रस्ताव पास कीता गेआ उस्सै दिन इस प्रस्ताव गी मुतलका प्रशासन गी सौंपी दित्ता गेआ हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर सने 6 राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशों च फैली दिए 9 बक्ख बक्ख थाहरें पर छापेमारी कीती है। एह कार्रवाई आतंकवादी संगठन अलकायदा से आतंकी गतिविधियें ते नौजवानें गी बरकलाइयै भारत गी अस्थिर करने दी साजिश रचने दे सरबंधै च कीती गई है। एनआईए मुजब आतंकवादी संगठन अलकायदा गी गतिविधियें लेई पैसा उपलब्ध करोआने ते उसी समर्थन देने आले मुश्तबा लोकें खिलाफ कार्रवाई कीती गई है। जम्मू च नगरोटा कोल बजालता ग्रां च छापेमारी कीती गई ते किश दस्तावेज ते दुए महत्वै आली समग्री जब्त कीती गई। कर्नाटक, पच्छम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा ते असम च भी छापेमारी कीती गई ही। आजादी मगरा टोडा जिले दे पछेत्रे ग्रां च सड़क राबता बेहतर ते ब्हाल होआ करदा। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें जेड़े कठुआ उधमपुर लोकसभा हलके थमां सांसद न उनें इस पर खुशी जाहिर कीती है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुवाई च डोडा ग्रां च नमें प्रोजेक्ट आवा करदे न। NHIDCL आसेआ मरम्मत बेल्ट गी जोड़िया जा करदा है। ताईं बीजेपी नेता ते डोडा पच्छम थमां विधायक शक्तिराज परिहार होरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने विचार सांझा करदे होई आखेआ जे रंगा गोहा खलैनी सड़क गी मंजूरी थ्होई गई ऐ ते टेंडर प्रक्रिया दा कम्म तेजिया कन्नै होआ। इस परियोजना दे पूरे होने कन्नै केई सारे लोकें गी लाह होग। उनें डॉ जितेन्द्र सिंह हुंदा इस्सै लेई आभार भी जाहिर कीता। मौसम विभाग आसेआ दित्ती गेदी जानकारी मुजब जम्मू खित्ते च कल दिनें दा बद्धोबद्ध तापमान 26.4 डिग्री ते घट्टो घट्ट तापमान 14.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज कीता गेआ। जम्मू खित्ते च कल 8.1 मिलीमीटर बरखा बी होई। जम्मू ते आले दोआले दे इलाके च राती होई दी बरखा ते ऐनगड़ा पौने करी तापमान च गिरावट आई ऐ। इसदे कन्नै हवा दी गुणवत्ता च भी सुधार होआ ऐ। पिछले किश दिनें थमां खराब बनी दी ही। जम्मू ते कश्मीर दी उच्चियें धारें पर हल्की थमां दरमियाने दर्जे दी बर्फबारी होई ऐ। दक्खनी कश्मीर की राजौरी ते पुंछ कन्नै जोड़ने आली मुगल सिड़क, बंडपुरा गुरेज सिड़क उच्चियें धारें पर होई दी ताजा बर्फबारी करी गड्डियें दी आओ जाई लेई आरजी तौर पर बंद ऐ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क दौने पेठा दा गड्डियें दी आओ जाई लेई खुल्ली दी ऐ। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी च अज्ज भारत दा मुकाबला 3 बरे दी जेतू रेही चुकी दी दक्खन कोरिया दी टीम कन्नै होग। बिहार दे राजगिरी हॉकी स्टेडियम च कल भारत ने अपने पहले पहले मैच च मलेशिया गी 4-0 कन्नै हराया। मलेशिया टीम भारत दी डिफेंस लाइन दे सामने टिकी नेईं सकी ते केई पेनल्टी कॉर्नर मोआने दे बावजूद भी भारतीय टीम उंदे चा 3 गी गोल च बदलने च कामयाब रही। संगीता कुमारी दे शानदार अखीरी गोल ने पिछले चैंपियन भारत की जित पक्की कर दित्ती है। एदे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।